something to lose. Baby, all I need is. Thought I'd be stuck in a static forever, telling myself it could be enough. I didn't know that I was looking for something to jump until I jumped in. Hello friends, welcome to SJT Live. आज हम जा रहे हैं बहुत ही एक अपने इम्पोर्टेंट डे के लिए, और बहुत ही स्पेशल डे है, और वो क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में, ठीक है ना गणेश? हम वो बाद में करेंगे रिवील, अभी हम पहुंचते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ साथ रहते हैं, फिर तब आप लोगों को पता चलेगा कि वो स्पेशल डे आज क्यों है, किस लिए है और क्या कुछ नया आने वाला है। एक न्यू मेंबर, ये हम पहुंच चुके हैं एमजी के शोरूम में, और हम यहाँ पर आज लेने के लिए आए हैं एमजी हेक्टर ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। ये है पसंद घनिष्ठ की, घनिष्ठ को ये कार बहुत ज़्यादा पसंद है, एज कंपेयर टू इसके जितने भी साथ की कंपनीज के कॉम्पिटिशन्स हैं, एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियन, बट इनको ये ज़्यादा पसंद है। मुझे स्कॉर्पियन बहुत पसंद है, बट गणेश को ये एमजी ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज ऑफ एमजी के जो फीचर्स हैं वो अंदर से स्कॉर्पियन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, कंपेयर किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं जो कि स्कॉर्पियन में नहीं दिए गए हैं। स्कॉर्पियन सिर्फ लिटिल सी से लेंथ में हाइट में बड़ी है, उसको बस बाहर से ही डेकोरेट किया गया है, जो कि देखने में बाहर से ही लगती है बट अंदर से इतने फीचर्स अवेलेबल नहीं है जितने कि एमजी में हैं। और यहाँ पर मम्मी एंड पापा, एक दूसरी एमजी जो खड़ी है, हमारी वाली एमजी अभी रेडी हो रही है, तो वो उसमें बैठकर देख रहे हैं कि कैसा फील आता है, कैसी लग रही है, ऑब्वियसली मम्मी एंड पापा है ना। और यहाँ पर वेट हो रहा है, थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई है तो अभी वेट कर रहे हैं, और ये लाइट आ चुकी थी तो ये यहाँ पर घनिष्ठ अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं और पेपर साइन कर रहे हैं, और हो खुशी तो देखो, इनकी स्माइल तो देखो, कितने खुश है पेपर साइन करते हुए। एंड नाउ गाइस, ये है हमारा एमजी रिवील करने का टाइम, टेंशन ये। और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा अपना फोटोशूट, न्यू एमजी कार के साथ तो फोटोशूट करना बनता ही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बाबू बीच में बैठ जाए, जैसे कि वो पहले भी बैठ चुका है एमजी की गाड़ी में, उसकी काफ़ी सारी फोटोज़ हैं जब हम पहले एमजी देखने के लिए आए थे उस वक्त पे, तो उसको यहाँ पर बैठ के बहुत मज़ा आता है, बट अभी वो सो के उठा था तो पता नहीं अभी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बट धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो गया है। तो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं अपना फोटोशूट, और अब उसके बाद यहाँ पर मम्मी करेंगे अभी थोड़ा सा अपना पूजा पाठ के लिए, जो भी चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं वो सब अभी मम्मी यहाँ पर कर रही हैं। तो मम्मी यहाँ पर सादियाँ बनाएंगी, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अपनी केक कटिंग सेरेमनी के लिए, यहाँ पर अब हम सब मिलके यहाँ पर काटने वाले हैं न्यू एमजी के सेलिब्रेशन के लिए केक। I want more love, more happiness to be.
यहाँ पर घनिष्ठ और मैं दोनों ही मम्मी एंड पापा का आशीर्वाद ले रहे हैं। वो तो लेना बनता ही है ना, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही तो ये सारी चीजें पूरी हो पाती हैं। हम अपनी नई एमजी में बैठ चुके हैं, थोड़ा बैग लेना पड़ेगा गणेश आपको। मम्मी एंड बच्चू साथ हैं। और अभी यहाँ से गाड़ी कट जाए उसके बाद हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, जो हमारा हमेशा का रूटीन है। सबसे पहले हम अपनी गाड़ी में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये अब हम अपनी न्यू कार लेके आ गए हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, और हमारी सोसाइटी के गेट पर ही पड़ता है ये मंदिर। तो यहाँ पर हमने पंडित जी को फोन करके बोल दिया था कि आप रुक जाइएगा, हम नई गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो आज पंडित जी हमारी वजह से इतनी लेट तक रुके रहे, क्या करें, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज के चक्कर में हमें काफी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर अब पंडित जी से करवा रहे हैं मम्मी पूजा, और यहाँ पर गुच्चू है पापा की गोदी में। ये कभी तो सो जाता है, कभी जाग जाता है, इसका ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं अपनी पूजा, और हम सब बहुत ही खुश हैं। और अब हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, खुशी के मारे किसी को भूख का कोई एहसास भी नहीं हो रहा है, कोई ये भी नहीं कह रहा है कि भूख लगी, रात के 10 बज गए हैं। पर जो भी है, खुशी में गम में ऐसा ही होता है, कभी कभी भूख कम लगती है। तो आज खुशी का दिन था, बहुत अच्छा दिन था ये हमारे लिए बहुत ज्यादा। और हम लोगों को सारी फॉर्मेलिटीज और सब कुछ करते करते बज गए हैं रात के, कितना टाइम हो गया है, रात के बज रहे हैं 10:20, 10:15। और तो ये रही है हमारी न्यू एमजी। मम्मी आपको कैसा लग रहा है गणेश ने न्यू एमजी ली है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। पुराने वाली गाड़ी वहीं घर के बाहर खड़ी करके अब हम आए हैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए। तो अभी करते हैं थोड़ी पेट पूजा। गणेश आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रक्ष आप कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रक्ष मम्मा से तो हम पूछ ही चुके हैं। मम्मी वैसे आपके बेटे ने लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात में? जय माता दी। अब घनिष्ठ को कुछ कहेंगे? अभी थोड़ा थोड़ा थोड़े दिनों बाद जाके होगा कि हाँ ये हमने ले ली है, ये हमारी है, हमने ये कर लिया है। क्या प्रक्ष? मेरे प्रक्ष ने कर लिया है। गणेश अभी मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है, अभी मुझे धीरे धीरे जाके यकीन होगा कि हमें एमजी वालों की तरफ से बुके मिला है, रेड एंड वाइट रोजेस, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, बहुत खूबसूरत लग रहा है। एंड ये कुछ बैग मिला है, इसके अंदर क्या है देखते हैं। इसके अंदर चॉकलेट है एंड और गाड़ी के कवर वगैरह भी दिए हैं जो कि अभी गाड़ी में रखे हैं। और क्या क्या दिया है एमजी ने, क्या क्या दिया है और एमजी ने? लॉर्ड गणेश की मूर्ति भी है, मैट दिया है, कवर दिया है, और एक दो चीज और दी है, याद नहीं आ रहा अभी। ओके, हम घर आ चुके हैं और हम बहुत खुश हैं। आज मिलते हैं आपसे अगले दिन एक नई सुबह के साथ।